हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन कैटेसिक्स। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रुख करते हैं बिहार में पटना की तरफ। पटना मेट्रो रेल भर्ती को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट दी गई है और कब तक होगी भर्ती, कैसे होगी भर्ती, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। और एक न्यूज़ बता दें आपको कि यहाँ पे करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना का शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जी हाँ, 17 फरवरी को इसका शिलान्यास किया गया है और आपको बता दें कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पे इस परियोजना में दे दिए गए हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पे कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है, एक भी कर्मचारी यहाँ पे शामिल नहीं है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बने रहेगा अंत तक। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर तो इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबाएं ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, सुबह में अभी मैंने एक 575 वैकेंसी के बारे में बताया है, इस वैकेंसी को जरूर भरिएगा आप लोग। और बिहार राज्य को लेकर बिहार बांका में वहां लेखापाल, आईटी सहायक और तकनीक सहायक का यहां पे ज्वाइनिंग लिस्ट दे दिया गया है, तो इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा अंत तक। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, तो हर एक पल की खबर देंगे आपको बिहार न्यूज से। चलिए, हम लेकर चलते हैं अब आपको इसकी ऑफिशियल न्यूज पे, जहां पे इसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लें कि इसकी जो वैकेंसी है वो किस बेस पे होगी। तो अधिकतर जो स्टाफ होंगे संविदा पर ही यहां पे नियुक्त किए जाएंगे। दोस्तों, यहां पे साफ साफ कहा गया है पटना के अधिकतर स्टाफ संविदा पर रखे जाएंगे और दूसरी मेट्रो कॉरपोरेशन से तुलनात्मक अध्ययन के करके इसका खाका तैयार किया जा रहा है। किस पद के लिए कितनी शैक्षणिक योग्यता होगी, इसका वेतन क्या होगा, इसके बारे में अभी चर्चा की जा रही है, यह भी उसी के आधार पर निर्धारित किया जा रहा है। इसके अलावा सीजीएम तकनीकी, जेएम प्रोक्योरमेंट, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जेएम वर्कर्स, मुख्य वित्ताधिकारी और कंपनी सेक्रेटरी के पदों पर यहाँ पे तैनाती प्रतिनियुक्ति के आधार पर होनी है। तो यानी कि यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तकनीकी, यानी कि टेक्निकल से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट हैं वो तैयार रहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे है प्रोक्योरमेंट, जेएम प्रोक्योरमेंट, यानी कि आपका एचआर के थ्रू भी बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। उसके अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भी नियुक्ति होगी, यानी कि मास्टर्स डिग्री वाले भी यहाँ पे लिए जाएंगे। उसके बाद जीएम वर्कर्स, यानी कि लेबर्स ग्रेड के भी होंगे यहाँ पे कैंडिडेट, और मुख्य वित्ताधिकारी यानी कि फाइनेंस में होंगे तो यार एमबीए फाइनेंस के भी कैंडिडेट होंगे, यानी कि हर क्षेत्र से यहाँ पे आपकी नियुक्ति की जाएगी। अब इसमें कहा जा रहा है कि कंपनी सेक्रेटरी के पदों पर तैनाती प्रतिनियुक्ति के आधार पर होनी है। स्टाफ के आने के बाद ही मेट्रो का काम कुछ आगे बढ़ाया जा सकेगा। तो अभी भी यहाँ पे कार्य को लेकर, नियुक्ति को लेकर यहाँ पे अभी संशय बना हुआ, पर नियुक्ति बहुत ही जल्द होगी क्योंकि यहाँ पे काम रुका हुआ है। नियुक्ति का प्रोसेस जो है वो अब शुरू होने वाला है। तो कब से शुरू होगा, जब इसका ऑफिशियल लिंक आएगा, इसकी आधिकारिक वेबसाइट बन जाएगी, उस पर हम आपको सारा का सारा चीज अपडेट करेंगे जब इसका ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया जाएगा। अब हम बात कर लें यहाँ पे इस कंपनी की। तो यहाँ कंपनी के बारे में कहा गया है कि पटना मेट्रो रेल की फाइल उठाने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे कर्मचारी अगर देखा जाए तो। उसके अलावा मेट्रो कॉरपोरेशन से सीएमडी अलावा कोई चतुर्थ श्रेणी, इनफैक्ट कोई भी यहाँ पे फोर्थ ग्रेड यानी कि ग्रुप डी में भी देखा जाए तो कोई कर्मचारी नहीं है। मेट्रो प्रोजेक्ट के काम में तेजी के लिए मैन पावर की सख्त जरूरत है। तो दोस्तों, मैन पावर की जरूरत है, यानी कि यहाँ पे बहुत ही बड़ी मात्रा में रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे जो टारगेट दिया गया है 2022 का कि बिहार में इसको चालू कर दिया जाएगा, तो 2022 तक बिहार में तो नौकरी की बहार होने वाली है। उसके अलावा आपको बता दें कि 20,000 करोड़ इस कंपनी के ऊपर लगा है। राज्य के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कंपनी के पास है, मगर हालात यह है कि कंपनी के सीएमडी के अलावा दूसरा आधिकारिक रूप से कोई ग्रुप डी का श्रेणी का कर्मचारी नहीं है अभी तक। हम बात कर रहे हैं पटना रेल मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड की। इस कंपनी के हालात इतने हैं कि पहली बार बोर्ड के बैठक में एजेंडा तैयार करने वाला भी कोई नहीं था। तो ये एक सबसे बड़ी विडंबना है बिहार की कि इसका मेट्रो का जो प्रोजेक्ट आया है, पैसे आ चुके हैं राज्य सरकार को, केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ नियोजित किया जा चुका है, फिर भी यहाँ पे कोई काम अभी तक शुरुआत की नहीं गई है। तो इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। ठीक है, इस पर नगर विकास जो मंत्रालय हैं, नगर विकास विभाग के मंत्रालय, उनके जो मंत्री हैं वो
ही इस कार्य को देख रहे हैं। राजधानी में बता दें कि मेट्रो प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा करने का एक लक्ष्य रखा गया है और मोदी जी के द्वारा इसका 17 फरवरी को शिलान्यास किया गया था। तो ये आपको तो पता होना चाहिए, ये जीके का करंट अफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसे में काम में तेजी लाने का दबाव पीएमआरसीएल को बढ़ चुका है और पहली बोर्ड बैठक में फैसला ले लिया गया है, लेकिन इन्हें अमल जामा यानी कि इन्हें जो लागू किया जा सके उसके लिए स्टाफ की जरूरत पड़ती है, तो स्टाफ यहां पे बहुत कम है। कॉरपोरेशन के पास तो अभी भी किसी फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए प्यून तक की यहां पे वैकेंसी जो है वो नहीं ली गई है। उसके अलावा पीएमआरसीएल के नाम पे फिलहाल सिर्फ चेयरमैन चैतन्य प्रसाद हैं और वे एक कॉरपोरेशन के प्रबंधक निदेशक भी हैं, तो इस कॉरपोरेशन के निदेशक हैं चैतन्य प्रसाद, तो उनके जिम्मे ये सारा का सारा जिम्मा पड़ा हुआ है। दोस्तों इस बोर्ड की बैठक जैसी ही होती है और जैसे ही इसका रिक्रूटमेंट कहीं से भी निकलता है तो हम आप तक इसका शेयर जरूर करेंगे, इसकी नौकरी जितनी भी आएंगी। तो बिहार में होने वाली है बाहर रेलवे मेट्रो को लेकर, तो दोस्तों अब जुड़े रहिएगा क्योंकि जितनी वैकेंसी हो सकता है कि 15 दिन के बाद, हो सकता है कि इस मार्च के महीने में ही शुरुआत हो जाए रिक्रूटमेंट का, तो पहल बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए बेफिक्र रहिएगा और लगे रहिएगा ताकि आपको हम यहाँ से जितने भी वैकेंसी निकलेगी वो आप तक पहुँचा सकें। तो इसी एक अच्छे विचार के साथ हम यहाँ पे अब समापन करते हैं और जैसे ही इसकी वैकेंसी कुछ आती है हम आप तक शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ यहाँ बने रहें इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।